हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप SBI नेट बैंकिंग लॉगिन करने जा रहे हैं, जिससे वहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं, और दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आ जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है यूजर हैज बीन लॉग्ड परमानेंटली, अब दोस्तों इस प्रॉब्लम की वजह से आप SBI नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दोस्तों आप योनो SBI में रजिस्टर कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपका SBI नेट बैंकिंग हमेशा के लिए लॉक हो गया है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले कैसे आप SBI नेट बैंकिंग को अनलॉक कर सकते, कैसे आप दोबारा से SBI नेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं SBI नेट बैंकिंग लॉगिन करके। जैसे यहाँ पर दोस्तों गूगल को ओपन किए और दोस्तों ऑनलाइन SBI लिखकर सर्च करेंगे, फिर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा, इसे हम ओपन करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा SBI नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड है सही यहाँ पर हम डालेंगे, और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा है जिसे दोस्तों यहाँ पर हम डालेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का प्रॉब्लम आ जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है यूजर हैज बीन लॉग्ड परमानेंटली, प्लीज विजिट ब्रांच। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा SBI का नेट बैंकिंग जो है लॉक हो गया हमेशा के लिए, इसे मुझे अनलॉक करना होगा, तभी दोस्तों यहाँ पर हम जो SBI नेट बैंकिंग को लॉगिन कर पाएंगे, दोबारा से यूज कर पाएंगे। और दोस्तों इसके लिए बोला जा रहा है कि हमें जो है ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आ जा रहा है इसका मतलब कि दोस्तों आपको ब्रांच विजिट ही करना पड़ेगा, इसका दोस्तों कोई भी ऑनलाइन सोल्यूशन नहीं है। अब दोस्तों आपको ब्रांच जाकर के क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या, अपना SBI बैंक का पासबुक लेना है, और दोस्तों जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में आपको जाना है, और वहां पर दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम को दिखाना है, वहां पर बोलना है कि SBI का नेट बैंकिंग यूजर हमारा लॉक हो गया है परमानेंटली। और दोस्तों इसके लिए बैंक में आपसे जो है एप्लीकेशन मांगा जाएगा, तो वहां पर आपको लिख देना है कि आपका नेट बैंकिंग जो है ब्लॉक हो गया है, इसे अनलॉक करना है। जैसे दोस्तों वहां पर आप इस बात को बताएंगे, एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे बैंक में, उसके बाद इस तरह से एक EKYC फॉर्म निकाला जाएगा जिसमें दोस्तों आपका नाम वगैरह रहेगा, जिसमें दोस्तों आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला जाएगा, फिर दोस्तों आप उसमें सिग्नेचर करेंगे और इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। फिर दोस्तों वहां पर आपका जो है SBI नेट बैंकिंग जो लॉक हुआ है इसे अनलॉक कर दिया जाएगा, और दोस्तों इसके लिए आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। अब दोस्तों इस रेफरेंस नंबर का यूज करके आपको SBI नेट बैंकिंग का एक नया पासवर्ड को सेट करना है। अब आपको SBI नेट बैंकिंग का नया पासवर्ड सेट करने के लिए क्या करना है, गूगल को ओपन करना है और ऑनलाइन SBI लिखकर सर्च करना है, फिर देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है आपको दोस्तों इसे ओपन करना है। उसके बाद देख सकते हैं कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर दोस्तों यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पर हमारा जो नेट बैंकिंग लॉक हो गया है, तो दोस्तों SBI इंटरनेट बैंकिंग अनलॉक करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट यूजर नेम लॉगिन पासवर्ड, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलेगा, दोस्तों यहाँ पर आपको जो तीसरा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है सेट लॉगिन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाय ब्रांच, दोस्तों इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब जिसे दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको यूजर नेम डालने के लिए बोला जाएगा, जो आपका SBI नेट बैंकिंग का यूजर नेम है उसे दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेफरेंस नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो दोस्तों जो आपको बैंक की तरफ से रेफरेंस नंबर दिया गया है उस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा है जिसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपके SBI बैंक में रजिस्टर है, जिस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको SBI नेट बैंकिंग का नया लॉगिन पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों जो भी आप SBI इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड नया बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से बनाना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आप पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे उसी पासवर्ड को आपको कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड में डाल देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं लिखा आ जाएगा योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब दोस्तों यहां पर आपका SBI नेट बैंकिंग का एक नया पासवर्ड सेट हो गया है। अब दोस्तों जो आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम है और दोस्तों अभी जो आपने नया पासवर्ड सेट किया है, इस पासवर्ड का यूज करके आप लॉगिन करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आपका SBI का नेट बैंकिंग लॉगिन हो जाएगा। जैसे यहां पर देख सकते हैं मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, और दोस्तों यहां पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है जिसे यहां पर डालकर
करके मैंने लॉगिन किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, जिस ओटीपी को हम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा SBI इंटरनेट बैंकिंग जो है लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों जो आपका SBI नेट बैंकिंग लॉक हुआ था परमानेंटली, वह दोस्तों अनलॉक हो जाएगा। अब दोस्तों आप SBI नेट बैंकिंग को दोबारा से एक्सेस कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे, इसके साथ में आप योनो SBI ऐप में रजिस्टर कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।